अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। यूनिवर्सिटी बाणा, साढ़े बारह पहुँचे हैं हम। कंबाइंड बस थी तो थोड़ा लेट हो गया, वैसे हम 12 बजे आ जाते हैं। और ये फाइनली बेंच बन चुके हैं, ये बेंच पे बैठे हुए हैं। पहले इधर बेंच नहीं था, अब बेंच बन गया। बाकी ये आपको स्टूडेंट्स दिखाते हैं, धूप में बैठे हैं, हम भी धूप सेक रहे हैं धूप में बैठ के। बाकी नेक्स्ट देखते हैं क्लास कौन सी होती है आज। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो गाइस ये देखें क्लास हो रही है स्टूडेंट्स की। कॉल की थी ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? मैं ठीक। तो कौन सा सेमेस्टर जा रहे हैं? यार मेरा फाइनल ईयर है, 7वां सेमेस्टर है। तो न्यू एडमिशन के स्टूडेंट्स आए हैं, कैसा लगा आपको नए स्टूडेंट्स को देख के? यार नए स्टूडेंट्स जो हैं ना, वो उनको देख के लगता नहीं है कि वो न्यू है, क्योंकि आजकल की मतलब पता है आपको कि जो जनरेशन है वो हमसे भी जो है वो 10 कदम जो है वो आगे की सोचती है और करती है, ये जो भी मामलात हैं। हाँ। तो बाकी रही बात रैगिंग वगैरह की, वो जारी बात है न्यू स्टूडेंट्स आते हैं तो सीनियर जो है रैगिंग वगैरह करते हैं सब कुछ जी। तो वो भी भाई जो है वो सीनियर वो डरते हैं उनकी रैगिंग करने से कि यार ये तो 2-4 बातें उनसे ना सुननी पड़ जाए, इसलिए वो भी सीनियर भी अब जो है वो जूनियर से डरते हैं। बाकी इस दफ़ा एडमिशन के बारे में कैसा लगा, कि स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं इस दफ़ा एडमिशन ज़्यादा हो गया कम है? एडमिशन इस दफ़ा भी एज़ यूजुअल जैसे पहले एडमिशन होते थे यहाँ पे, तो वैसे ही हुए हैं इस दफ़ा भी। तो इसमें ये है कि इस दफ़ा पहले भी लड़कियाँ ज़्यादा हैं इसमें, इस जो हमारा यूनिवर्सिटी में या जो हमारा ये मेन कैंपस है इसमें लड़कियाँ वैसे भी ज़्यादा हैं। तो लेकिन अभी भी जो एडमिशन जितने हुए हैं तो बड़े कम जो है ना वो मतलब लड़के आए हैं यहाँ पे, ज़्यादातर जो है वो लड़के आए हैं यहाँ पे एडमिशन लिया। तो इसकी मेन वजह ये भी हो सकती है कि क्योंकि ट्रांसपोर्ट बड़ी इसकी जो है वो मतलब एक अब्रॉड इसकी ट्रांसपोर्ट है, वो लड़कियाँ वो ज़्यादा प्रेफर जो है वो करती हैं ट्रांसपोर्ट को, ट्रांसपोर्ट इस वजह से भी जो है वो लड़कों का ज़्यादा एडमिशन हुआ। बाकी रैगिंग वगैरह आपने की है किसी की? यार रैगिंग का ना पूछो। अच्छा, रैगिंग पहले भी आपको बोला है कि रैगिंग जो है वो भाई वो आजकल के जूनियर, अभी यहाँ से हम गुजर रहे थे तो पीछे जूनियर थे। अच्छा। तो वो मतलब लड़कियाँ थी तो वो कह रही थी कि यार हमारी ये सीनियर जा रहे हैं तो हमारी रैगिंग करोगी ये वो, खुद मतलब वो रैगिंग के लिए बुला। अच्छा, बुला रही हैं क्या हमारी रैगिंग? बुला रही थी हमें रैगिंग के लिए कि हमारी रैगिंग करो। तो हम तो चुपचाप जो है वो साइड से गुजर के हम चले गए वहाँ पर, आगे निकल गए। तो ये सीन है भाई आजकल तो बंदा वैसे ही जो है रैगिंग। बाकी ये है कि वो एक ट्रेडिशनल या एक चीज़ वो चली आ रही है कि सीनियर जूनियर की रैगिंग वगैरह जो बाकी न्यू स्टूडेंट जैसा क्या है, उनको कोई मैसेज अच्छा सा देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? अच्छा यार न्यू स्टूडेंट्स जो है ना उनका ये सीन है कि उनको अगर मैं मैसेज देना हो तो वो ये है कि स्टडी पे फोकस, अगर मैं बोलूँगा कि वो एक टिपिकल लाइन हो जाएगी यार कि स्टडी पे फोकस रखें ये करें वो करें, क्योंकि जारी बात है लड़कियाँ यार ज़्यादा हैं, लड़कियों पे फोकस वो ज़्यादा कंपेरेटिव मतलब पे टू स्टडी अगर किया जाए वो लड़कियों पे जारी बात है फोकस ज़्यादा ही होगा कुछ, लेकिन साथ साथ जो है स्टडी को भी लेके चलें। बाकी पढ़ना पढ़ाना जो है वो तो तकरीबन मिड में होता है या मिड में पेपर के एक दिन पहले या पेपर्स में जो पढ़ना पढ़ाना होता है, इसके अलावा नहीं। चलो सही, बहुत शुक्रिया आपका फादर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच यार।
गाइस फाइनली नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं। हमारी 2 बजे क्लास शुरू होनी थी किसी सर की, लेकिन वो नहीं है, अभी पता नहीं क्या रीज़न है, सर नहीं आए या कोई वजह थी। तो अब बिल्कुल हम फ्री हैं, कोई भी क्लास नहीं है, तो आगे पीछे फिरते हैं। 4 बजे 4:30 बजे बसें जानी है, तो 5 बजे हम घर चले जाएँगे। तो अभी फ़िलहाल बिल्कुल रिलैक्स ले, कोई क्लास नहीं होनी, बाकी के सीन्स हम आपको दिखाएंगे और उस्मान तो बसम के साथ आगे पीछे सैर करेंगे। यस, गुड बाय, अल्लाह। बस जो हम साडा ब्लॉक के अंदर आए हैं, ये देख सकते हैं आप साडा ब्लॉक। हमारी आज कोई भी क्लास नहीं हुई, तो अब छुट्टी का टाइम भी हो गया है, 4:30 बजने लगे हैं, हम वापस जाते हैं। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।